हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि अक्सर जो दुकानदार है वो चीटिंग जब करते हैं तो अपना प्रॉफिट वो ज़्यादा करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन में कितनी भी वैरायटी आपको दे दे, जो मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा उस कंसेप्ट से आपके जो क्वेश्चंस हैं प्रॉफिट लॉस में, जो चीटिंग वाले क्वेश्चंस हैं, वो आपको बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे और आपको समय भी उनको कम लगेगा। तो मैंने चार पांच एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो चीटिंग, जब हम बात करते हैं चीटिंग की, तो चीटिंग का जो एम होता है, भाई चीटिंग आदमी क्यों करता है, उसका एम है प्रॉफिट करने का। क्या करने का? प्रॉफिट करने का। तो कोई भी व्यक्ति जो चीटिंग करना चाहता है, चाहे रियल लाइफ में भी हम देखेंगे, तो वो चाहता है कि मेरा फायदा हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो जो दुकानदार है उसका भी सोल एम जो है वो चीटिंग के थ्रू सिर्फ प्रॉफिट करना है। कोई भी दुकानदार ये नहीं चाहता कि मैं चीटिंग करूं तो मेरा नुकसान हो जाए, नो वन वॉन्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हम आपसे बोलते हैं कि एक दुकानदार है, वो 1000 ग्राम की जगह, 1000 ग्राम की जगह अपने कस्टमर को 900 ग्राम देता है, अपने कस्टमर्स को 1000 ग्राम की जगह सिर्फ और सिर्फ 900 ग्राम देता है, तो ये जो दुकान वाला है ये कितना फायदा अपना कर रहा है, ठीक है। तो यदि हम पहले बार में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमको हो सकता है कि थोड़ा सा आंसर गड़बड़ हो जाए। क्यों आंसर गड़बड़ हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मान लो मैं एज ए कस्टमर जा रहा हूँ, तो मुझे लेना है 1000 ग्राम का सौदा, लेकिन मुझे मिलेगा 900 ग्राम, तो मेरी जेब में कितना आ रहा है? 900 आ रहा है, ठीक है। मेरी जेब में कितना आ रहा है? 900 आ रहा है, ठीक है। अब हम शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो शॉपकीपर का फ़ायदा कितना हुआ? हाँ, प्रॉफिट कितना किया शॉपकीपर ने, फ़ायदा जिसको बोलते हैं, भाई उसने हर 1000 ग्राम पे 900 ग्राम देके 100 ग्राम की बचत कर रहा है, तो उसका जो बचत है वो 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम। तो अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज देखेंगे तो 100 ग्राम का फ़ायदा कितने पर हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको ये लग सकता है कि उसको 1000 ग्राम पे बचत हो रही है, लेकिन एक्चुअली में जो बचत है वो 900 ग्राम पे हो रही है। अब 900 ग्राम पे क्यों हो रही है? क्योंकि जो उसके स्टॉक से जो चीनी माइनस होगी या जो सामान माइनस होगा वो 900 ग्राम माइनस होगा। भाई जब वो अपना स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करेगा तो हर 1 किलो को वो 900 ग्राम ही समझेगा, क्योंकि उसके ग्राम, उसके जो जेब से 900 ग्राम चीनी माइनस हो रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सामान दिया जा रहा है वही उस पर प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है चीटिंग के केस में। तो यहाँ पे जो 100 ग्राम जो है ये 900 पर होगा, ठीक है, इनटू 100 करेंगे तो कुल मिला के जो आ जाएगा 11.11%। तो ये फायदा है किसको? शॉपकीपर को। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि एज ए कस्टमर को कितना नुकसान हुआ, भाई अगर मुझे सामान लेना है तो मुझे कितना नुकसान होगा इस पूरी ट्रांजेक्शन में, तो कस्टमर के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो नुकसान कितना हो गया, भाई कस्टमर को कितना नुकसान हो रहा है, तो अगेन 100 ग्राम का नुकसान हो रहा है। ये मुझे लेके आना है 1000 ग्राम, दे रहा है मुझे 900 ग्राम, तो मुझे 100 ग्राम का नुकसान हो गया। अब मुझे नुकसान कितने ग्राम पर हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भैया मैं तो उसको 1000 ग्राम के पैसे दे के आ रहा हूँ ना, तो मुझे जो नुकसान हो रहा है वो 1000 पे हो रहा है, लेकिन जो शॉपकीपर को फायदा हो रहा है वो 900 पे हो रहा है। तो ये जो फिगर है कि किस पर कैलकुलेट करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब आप सामान खरीदने जाते हो तो आप उसकी एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से पैसे पे करते हो, लेकिन सामान आपको लेस मिल रहा है तो आपका नुकसान एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से होगा, और शॉपकीपर का फायदा जितना उसने सामान दिया उसके हिसाब से होगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे लॉस परसेंटेज, 100 का नुकसान 1000 पर इंटू 100, तो 10% का ये कस्टमर को नुकसान है। बट इतनी गणित तो लगाना बहुत मतलब आसान भी है, लेकिन पेपर में इतना सब दिमाग नहीं चलता है, तो मैं आपको इन क्वेश्चंस को करने का सुपर आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए अगर आपको बेसिक करना है तो, ठीक है। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हम इसको सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं, कैसे हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो सिंपलीफाई करने के लिए हमको थोड़ा इफेक्ट समझना पड़ेगा, इफेक्ट। तो जैसे हम आपसे कहते हैं कि 100 रुपये की चीज़ है, हमने उसको 15% का मार्कअप कर दिया। क्या कर दिया? मार्कअप। मार्कअप बोले तो उसका प्राइस बढ़ा दिया, इफेक्ट पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। तो 15% आप बोलोगे सर 100 का 15% निकाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 100 का 15% कितना होगा? 15। तो ये जो मार्कअप है
माल प्राइस 115 हो जाएगा। अब आपने क्या किया है एज ए शॉपकीपर, आपने उस पर 20% का डिस्काउंट लगा दिया, 20% का डिस्काउंट कर दिया। आपको थोड़ा गणित कम आता था तो उतने कस्टमर को अल्योर करने के लिए 20% का डिस्काउंट उसको दे दिया। 20% का डिस्काउंट कितना होगा? तो 20% किसका भाई, डिस्काउंट तो आप 115 का दोगे, तो 115 का डिस्काउंट बनेगा दैट इज 11.5, 23 रुपये। तो आप माइनस का 23 रुपये करोगे तो आपको मिलेंगे कितने, 92 रुपये। तो 100 रुपये के सामान पे सिर्फ 92 रुपये आपने कमाए वापस, तो आपको नुकसान हो गया। तो नुकसान कितना हुआ, लॉस 8 यूनिट्स का लॉस हो गया, या 8 रुपीज़ का लॉस हो गया। कितने पर नुकसान, हमेशा सीपी पर, कितनी वैल्यू आपने खरीदी थी। तो 8 का नुकसान 100 पर इंटू 100, तो 8% का लॉस हुआ, 8% का लॉस। तो इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि इतना कैलकुलेशन ना करना पड़े, एक लाइन में कैसे आंसर आएगा वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी ओवरऑल इफेक्ट निकालना है तो पहले आप मार्कअप कर सकते हैं, आप फिर डिस्काउंट दे सकते हैं, और फिर चीटिंग भी हो सकती है। तो ये सब आपके एक लाइन में मल्टीप्लाई करने से आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। मार्कअप इफेक्ट मैं लिख देता हूँ, ये आपका मार्कअप अप इफेक्ट, ये आपका डिस्काउंट आप कितना दे रहे हो, डिस्काउंट इफेक्ट, डिस्काउंट, और ये है हमारे पास चीटिंग इफेक्ट, चीटिंग, ठीक। तो तीन तरह के इफेक्ट काम करते हैं। तो इफेक्ट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इफेक्ट का मतलब होता है बच्चों आउटपुट अपॉन इनपुट, या फिर आप ये भी सोच सकते हैं रिटर्न कितना मिल रहा है अपॉन इन्वेस्टमेंट कितना आपकी जेब से जा रहा है। मतलब इन्वेस्टमेंट वालों में 100 रुपये लगा रहा हूँ तो मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, मुझे 92 रुपये रिटर्न मिल रहा है, तो मुझे नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम चीटिंग के इफेक्ट या इसके इफेक्ट से समझते हैं, तो जैसे हम आपसे बोलते हैं कि 15% का मार्कअप, 15% मार्कअप, तो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 3/20 होता है, कितना होता है 3/20। तो इसका इफेक्ट कितना बनेगा, तो इसका बच्चा इफेक्ट बनेगा भाई, मार्कअप एक प्लस क्वांटिटी है, तो जब आप 20 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप उस पर 23 रुपये का टैक्स चिपका दोगे। मतलब अगर कोई कस्टमर आपसे डिस्काउंट नहीं मांगेगा तो आप उससे 23 रुपये ले लोगे। मार्कअप इफेक्ट में चीज़ें प्लस होंगी, मतलब ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो ये हो जाएगा 23/20। अगर हम डिस्काउंट की बात करते हैं, हाँ अगर हम बात करते हैं डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट है इसमें 20% 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो ये हो जाएगा कि एज ए शॉपकीपर जब आप डिस्काउंट देते हो तो आप चीज़ें कम, मतलब से पैसा कम ले रहे हो, 100 रुपये की चीज़ पे 5% डिस्काउंट, मतलब 95 रुपये आप लोगे। तो डिस्काउंट इफेक्ट जो इसमें जाएगा वो हो जाएगा, ऊपर वाली नंबर माइनस करेंगे तो 4/5, मतलब 5 रुपये की चीज़ को हम 4 में ही बेच सकते हैं, ये हमारा डिस्काउंट हो गया। तो एक लाइन में कैसे आंसर आएगा देख लेते हैं भाई, मार्कअप इफेक्ट कितना आपका 23/20, डिस्काउंट इफेक्ट है 4/5, तो 4×5=20, तो 23/25, 23/25 मतलब ये आपका आउटपुट है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, तो 25 रुपये की जगह सिर्फ आपको 23 रुपये वापस मिल रहे हैं। कितने, 25 रुपये की जगह 23 रुपये वापस मिल रहे हैं। तो ओवरऑल क्या हो गया, नुकसान कितने का, नुकसान कितने का, नुकसान मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। कितने का नुकसान हो गया भाई, अगर हम नुकसान देखेंगे तो 2 का नुकसान कितने पर, इन्वेस्टमेंट पर, जो कि 25 है इंटू 100, तो ये 8% का नुकसान हो जाएगा। तो अगर ऊपर वाली वैल्यू कम है तो नुकसान है, और अगर ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है तो ये फायदा है। तो इफेक्ट आपको समझना है, यदि आप इस इफेक्ट को समझ जाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन एक एक लाइन में सॉल्व होंगे। तो चलिए मैंने 2-4 क्वेश्चंस लिए हैं, उनको सॉल्व करते हैं, सो दैट आपको ये जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में एकदम घुस जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, तो आप इसको नोट जरूर कर लेना इफेक्ट को, ठीक है। पहला सवाल, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स शुगर एट द रेट ऑफ 18 व्हिच ही हैज बॉट फॉर 15, मतलब 15 रुपये का सामान लाता और 18 का बेच रहा है। तो मतलब आउटपुट है 18 और इन्वेस्टमेंट है 15, ओवरऑल इफेक्ट निकालेंगे हमेशा भाई, कितना कमाना चाहता है 18, लेकिन सामान कितने का 15 रुपये का, तो आपको वैसे ही फायदा हो रहा है।
और उसके बाद 800 ग्राम 1000 की जगह सिर्फ 800 ग्राम दे रहा है, मतलब एज ए कस्टमर, मतलब कस्टमर से पैसे कितने लेगा, 1000 ग्राम के पैसे लेगा, लेकिन उसको सामान कितने का चिपका देगा, 800 ग्राम का। रिटर्न कितना लेगा, 1000 ग्राम का, पैसे के सामान कितने का देगा, 800 ग्राम का। तो ये चीटिंग कर रहा है, दैट इज अ चीटिंग। और ये अगर हम देखेंगे तो उसका मार्कअप आप इसको बोल रहे हो या फिर उसको प्रॉफिट बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट करना चाहता है। तो ओवरऑल उसको कितना फायदा होगा बता देते हैं अभी। तो 3 6 18, 3 5 15, और ये हो जाएगा 2 5 10, 2 4 8, तो 5 ने 5 को मार दिया, 6/4 या फिर 3/2। ऊपर वाली वैल्यू यदि ज़्यादा आएगी तो प्रॉफिट होगा। 2 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और 3 रुपये का रिटर्न है, तो फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा भाई? भाई 2 रुपये लगा के 3 रुपये कमा रहे हो तो फायदा हो रहा है। एक का फायदा कितने पर, भाई एक का फायदा हो गया देखो कितने पर, 2 पर × 100, तो 50%। तो इससे आसान ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप प्लीज़ इस बात को समझो, चीटिंग के क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ए शॉपकीपर क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग शुगर एट द रेट ऑफ 23, जो कि उसको 25 की पड़ रही है। मतलब आप शॉपकीपर ये दिखाना चाहता है कि भैया ये चीज़ मैंने 25 की खरीदी है लेकिन मैं आपसे 23 रुपये ले रहा हूँ। तो इसका ओवरऑल इफेक्ट कितना होगा, 23 रुपये ले रहे हो और आपको 25 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 800 ग्राम और 1000 ग्राम, मतलब कस्टमर से 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है लेकिन 800 ग्राम का सामान दे रहा है, मतलब 800 ग्राम के जो रुपए हैं या उसके बराबर वो आपको सामान दे रहा है लेकिन पैसे आपसे 1000 ग्राम के ले रहा है, तो चीटिंग कर रहा है यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, 23/5 गुना 2 5 10, 2 6 8, सॉरी 25, तो 25, तो 23/20। अभी वो आपसे कमा ले गया, 20 रुपये लगा के 23 कमा के ले गया, तो 3 रुपये का फायदा कर लिया, कितने पर, 20 पर × 100, तो 15% का प्रॉफिट कमा के ले गया अभी भी। मतलब पैसे कम देने पर भी, आपको 25 रुपये का सामान 23 पर दे के पर भी अगर वो चीटिंग कर पा रहा है तो प्रॉफिट आपसे जरूर करेगा, बोलेगा सर हम तो आपको प्राइस टू प्राइस दे रहे हैं। लेकिन अगर उसने चीटिंग कर दिया तो आपको नुकसान भारी होगा, लेकिन कस्टमर जो एज ए शॉपकीपर को बहुत फ़ायदा होगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित मार्क्स अप हिज गुड बाय 40% एंड गिव्स का डिस्काउंट 10% का। ठीक है, मार्कअप कितना कर रहा है, 40%। भाई ओवरऑल इफेक्ट करते हैं, मार्कअप इफेक्ट इनटू डिस्काउंट इफेक्ट इनटू चीटिंग इफेक्ट, तो मार्कअप कर रहा है 40%। भाई 40% का मतलब बोले तो 2/5, मतलब 5 रुपये की जगह उसका मन है 7 रुपये कमाने का, क्योंकि मार्कअप में चीज़ें बढ़ेंगी, जब चीज़ें बढ़ेंगी तो प्लस करना आपको। डिस्काउंट दे रहा है 10% का, 10% डिस्काउंट बोले तो 1/10, मतलब 10 रुपये की इन्वेस्टमेंट में वो आपको 1 रुपये का छूट दे रहा है, तो 9 रुपये आपसे कमाने की कोशिश कर रहा है। अब चीटिंग की बात करते हैं, 1000 ग्राम की जगह विच रीड 1000 × 800, मतलब फॉल्टी बैलेंस यूज कर रहा है। तो पैसे आपसे 1000 के लेगा लेकिन सामान आपको 800 का चिपका देगा, तो ओवरऑल कितना परसेंट का फायदा होगा, तो 7/5 गुना 9/10 गुना 2 5 10, 2 4 8, तो 5 से 5 चला गया, तो 7 9 63, भाई 7 9 63 और 10 6 40। ठीक है, ये तो भारी भरकम फायदा हो गया। तो कितने का फायदा हो गया, 23 का फायदा कर लिया भाई साहब उसने, 23 यूनिट कमा लिए, कितने पर, 40 पर × 100, तो ये हो जाएगा 230/4, तो 4 5 20 और 4 7 28, कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई, 4 5 20, 3 बचेगा, 4 7 28, 4 5 20, 57.5, 115, हाँ ठीक है, तो 57.5% का उसने फायदा कर लिया। तो देखते ही देखते 57.5% उसने कमा लिए। अगर आप इसको प्रोसेस से करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, एक लाइन में आपके आंसर आएंगे। आप बस इफेक्ट को समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट है इफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सो दैट ये पूरा कंसेप्ट आज खत्म हो जाएगा आपका। ए डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स गुड एट 10% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, मतलब ये दिखाना चाहता है कि मैं 10% का नुकसान खा रहा हूँ कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन 20% फॉल्टी वेट यूज कर रहा है, राइट? अब इसको समझते हैं, ओवरऑल इफेक्ट बोले तो डिस्काउंट इफेक्ट या फिर चीटिंग इफेक्ट।
भाई यदि वो ये बोलता है कि मैं 10% का नुकसान खा रहा हूँ, तो एक तरह से डिस्काउंट ही समझो उसको, ठीक है? तो 10% डिस्काउंट या फिर लॉस, एक ही बात है, क्योंकि दोनों में वैल्यू आपको कम मिलेगी। तो 10% का लोग है 1/10, तो 10 रुपये पे सिर्फ आपको 9 रुपये वापस मिलेंगे अगर हम डिस्काउंट देंगे। 20% का आपको चीटिंग कर रहा है। अब ये चीटिंग जो है भाई, चीटिंग है 20%, 20% बोले तो 1/5, 1/5 मतलब चीटिंग में हमेशा आपको चीजें प्लस करनी है। हाँ, तो आपसे वो क्या लेगा भाई, आपसे वो इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो 5 रुपये का सामान उसका है, लेकिन आपसे पैसे वो 6 रुपये के, मतलब 6 रुपये का आपको कोशिश करेगा सामान लेने, मतलब वापस पैसे लेने का। क्यों? क्योंकि 20% चीटिंग कर रहा है। 20% का मतलब हो गया कि वो आपसे कितना इफेक्ट की हम बात करेंगे। आप ये समझो कि मान लेते हैं कि 20% लेस वेट यूज़ करता है ना, तो उसको मान लो 1000 ग्राम यूज़ करना था, लेकिन उसने 20% लेस वेट यूज़ कर लिया, तो अब वो 800 ही यूज़ करेगा। कितना यूज़ करेगा? 800, राइट। तो यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे तो 5/4, सॉरी गड़बड़ हो गया, ये 20% यहाँ नहीं, ऐसे करेगा, ऐसा समझो कि 5/6, 1200 अपॉन 1000। 1200 अपॉन 1000 क्यों आएगा? क्योंकि भाई 1000 ग्राम मान लो तोलना था, और आपको 20% का वो नुकसान, मतलब एज ए चीटिंग करना चाहता है। तो चीटिंग का मतलब 20% का फ्रैक्शन लिखेंगे सबसे पहले 1/5। तो 5 रुपये तो उसकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, उस पर कमाई कितनी है? जो ऊपर नंबर लिखा है वो कमाई है, मतलब आपसे 6 रुपये लेने की कोशिश करेगा। 2 × 6/5, तो ये कितना हो जाएगा? 6 × 54 और 10 × 50, तो कितने का फायदा हो गया? 4 का फायदा कितने पर भाई? 9/10 × 6/50, तो कितने का फायदा हो गया ओवरऑल लॉस? हाँ ठीक है, तो 4 × 100, तो 50 × 100, तो 8% क्या होगा? फायदा हो रहा है अभी भी, प्रॉफिट। क्यों हो रहा फायदा? क्योंकि ऊपर वाला नंबर ज्यादा आ रहा है। ऊपर वाला नंबर क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। उम्मीद करो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर हम इसको वजन के हिसाब से भी देखते हैं भाई, 1000 ग्राम उसको इसका एक्चुअल है, लेकिन जो उसने यूज किया इसका 20% लेस, तो कितना हो जाएगा? 800। कितना हो जाएगा? 800। तो उसको फायदा कितना हो रहा है? हाँ, कितना फायदा हो रहा है? अच्छा 20%। ओहो, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने 20% लेस वेट यूज किया है, 20% की चीटिंग नहीं करी है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको आप रेक्टिफाई करेंगे अभी। उसने 20% वजन कम यूज किया है, तो मतलब उसको फायदा हो रहा है 200 का, कितने पर? 800 पर। तो ये हो जाएगा आपके पास 25%, मतलब ये 25% हो जाएगा। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा गड़बड़ इसलिए हो गया क्योंकि मैं सोच रहा था ये चीटिंग कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट, इसको रेक्टिफाई करते हैं। हाँ ठीक है, एक बार रेक्टिफाई करेंगे इसको। देखो ये बोलता है कि 20% लेस वेट यूज किया है, मतलब आपको वेट यूज करना था, वेट यूज करना था 1000 का, लेकिन किया कितने का है? सिर्फ और सिर्फ 800 ग्राम का। तो आप ये समझ के चलो, तो 1000 के पैसे लेगा लेकिन सामान सिर्फ 800 ग्राम देगा, और 20% इसका मतलब कितना हो गया भाई? पैसे आपसे लेगा 1000 ग्राम के, लेकिन आपको सामान देगा सिर्फ 800 ग्राम। तो ये हो जाएगा 9/, ये तो 10 ही रहेगा, × 1000/800। तो ये हो जाएगा 10 से 10 चला गया, 9/8 भाई, 10 से 10 चला जाएगा। तो अभी भी 1 का फायदा कितने पर? 8 पर, × 100, तो 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा पढ़ना है कि ये वेट की बात करता है या चीटिंग की बात करता है, ठीक है? तो होपफुली ये क्वेश्चन और जो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सिलेक्शन क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।